पुरानी रंजिश के चलते 9 आरोपियों ने घेर कर किया हमला। लाठी डंडों से आरोपियों ने की मृतक की हत्या। पुराने विवाद में हुई मृतक रविंद्र कुर्मी की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित जनता ने किया थाने का घेराव, 9 आरोपियों पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध। 14वें तनाव की स्थिति के चलते भारी पुलिस बल मौजूद। प्रस्तुत है गंज बसोदा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। आज इंफॉर्मेशन आई थी कि गेंदा थाना क्षेत्र में ग्राम सरमाटा है, वहाँ पर दो पक्षों के बीच लड़ाई हुई है, कुछ लोग घायल हुए हैं। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे थे और वहाँ से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हो गई है और उसका मृतक का भाई काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, जिसे यहाँ से रिफर करके विदिशा हॉस्पिटल में भेजा गया है। मृतक पक्ष के लोगों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि उनकी आरोपी पक्ष से पुरानी रंजिश थी और रंजिश काफ़ी लंबे समय से ये चली आ रही है। दोनों पक्ष एक ही समाज के हैं, ग्राम सेमरा थाना चौना के रहने वाले हैं। इस पर 9 आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 307 और 147-49 के अंतर्गत यानी बलवा और हत्या के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है और मृतक का पूछताछ कराया जा रहा है। सर, ये मामला तकरीबन कितना पुराना है जो पुरानी रंजिश बताई जा रही है? तकरीबन एक दशक तीन की रंजिश है आपस में जी। इसमें पहले भी मुकदमे पंजीबद्ध हुए हैं थाना क्षेत्र में और इसी पुराने मुकदमों में ही आपस में रंजिश थी। तो चूंकि ये पेशी करने गए थे या वहाँ से क्या कारण है कि वहाँ से लौट रहे थे, आखिर कहाँ पर ये घटनास्थल कहाँ का? मृतक पक्ष बासोदा से लौट रहा था, अपने गांव की तरफ जा रहा था और आरोपी पक्ष ने उनको घेर करके उनके साथ में मारपीट की है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसका भाई। एक बात और सामने आई सर, कई पेशियों के मामले में जो पेशी पे गए थे, जो ऐसा माना जा रहा है कि ये बरी हो गए थे उस केस से, अभी इसके संबंध में कोर्ट से जानकारी ली जा रही है, कोर्ट का स्टेटस क्या है ये क्लियर किया जाएगा। सर, आरोपी लगभग कौन है, कितने नाम मेरे पास? 9 है और वो एक ही परिवार के और उसके भाई बंधु वगैरह हैं, टोटल 9 आरोपी हैं। नाम मिल जाएंगे सर आरोपी? हाँ मिल जाएंगे। तो पहले उतई से होलो फुर्सत हो के समाज में होनी है, पहले वहां से फुर्सत हो जावे ते हो सफाई बत्ते हो गए दी सफाई बत्ते हो जाते चले सफाई मत हो चले जाओ गिरफ्तार कर लेंगे हम फोन लौट आए टीम को देख लो आ जान दो। ग्राम सुनोटा में पुरानी रंजिश के चलते 9 आरोपियों ने घेर कर किया हमला। लाठी डंडों से आरोपियों ने की मृतक की हत्या। पुराने विवाद में हुई मृतक रविंद्र कुर्मी की मौत, एक गंभीर रूप से घायल।
आक्रोश से जनता ने किया थाने का घेराव, 9 आरोपियों पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध। 14वें तनाव की स्थिति के चलते भारी पुलिस बल मौजूद। प्रस्तुत है गंज बसोदा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। ग्राम सुनोटा में पुरानी रंजिश के चलते 9 आरोपियों ने घेर कर किया हमला। लाठी डंडों से आरोपियों ने की मृतक की हत्या। पुराने विवाद में हुई मृतक रविंद्र कुर्मी की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित जनता ने किया थाने का घेराव, 9 आरोपियों पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध। 14वें तनाव की स्थिति के चलते भारी पुलिस बल मौजूद। प्रस्तुत है गंज बसोदा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। ग्राम सुनोटा में पुरानी रंजिश के चलते 9 आरोपियों ने घेर कर किया हमला। लाठी डंडों से आरोपियों ने की मृतक की हत्या। पुराने विवाद में हुई मृतक रविंद्र कुर्मी की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित जनता ने किया थाने का घेराव, 9 आरोपियों पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध। 14वें तनाव की स्थिति के चलते भारी पुलिस बल मौजूद। प्रस्तुत है गंज बसोदा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। आज इंफॉर्मेशन आई थी कि देवना थाना क्षेत्र में ग्राम सरमाटा है, वहाँ पर दो पक्षों के बीच लड़ाई हुई है, कुछ लोग घायल हुए हैं। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे थे और वहाँ से घायलों को अस्पताल भेजा गया। वहाँ पर एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हो गई है और उसका मृतक का भाई काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, जिसे यहाँ से रेफर करके विदिशा हॉस्पिटल में भेजा गया है। मृतक पक्ष के लोगों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि उनकी आरोपी पक्ष से पुरानी रंजिश थी और रंजिश काफ़ी लंबे समय से ये चली आ रही है। दोनों पक्ष एक ही समाज के हैं, ग्राम सेमरा थाना चौदह के रहने वाले हैं। इस पर 9 आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 307 और 147, 47, 49 के अंतर्गत यानी बलवा और हत्या के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है और मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सर, ये मामला तकरीबन कितना पुराना है जो पुरानी रंजिश बताई जा रही है? तकरीबन एक दशक की इनकी रंजिश है आपस में जी। इसमें पहले भी मुकदमे पंजीबद्ध हुए हैं थाना के समय और किसी पुराने मुकदमों में ही आपस में इनकी रंजिश थी। तो चूंकि ये पेशी करने गए थे या वहाँ से क्या कारण है कि वहाँ से लौट रहे थे, आखिर कहाँ पर ये घटनास्थल कहाँ का? मृतक पक्ष बासोदा से लौट रहा था, अपने गांव की तरफ जा रहा था और आरोपी पक्ष ने उनको घेर करके उनके साथ में मारपीट की है, जिसमें एक व्यक्ति हुई है और उसका भाई। एक बात और सामने आई सर, कई पेशियों के मामले में जो पेशी पे गए थे जो ऐसा माना जा रहा है कि ये बरी हो गए थे उस केस से, अभी इसके संबंध में कोर्ट से जानकारी ली जा रही है, कोर्ट का स्टेटस क्या है ये देखिए। सर, आरोपी लगभग कौन है, कितने नाम मेरे पास? 9 है और वो एक ही परिवार के और उसके भाई बंधु वगैरह हैं, टोटल 9 आरोपी। नाम मिल जाएंगे सर आरोपी? हाँ, मिल जाएंगे। तो पहले उतना ही से होलो फुर्सत हो इतने सवाल में होनी है, पहले वहीं से फुर्सत हो जो जावे ते हो जो सफाई बदते हो क्या दी सफाई बदते हो जाते चले सफाई मत दे चले जाओ गिरफ्तार कर।
दो चल रहा है चल मैं ग्राम सुनोटा में पुरानी रंजिश के चलते 9 आरोपियों ने घेर कर किया हमला। लाठी डंडों से आरोपियों ने की मृतक की हत्या। पुराने विवाद में हुई मृतक रविंद्र कुर्मी की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित जनता ने किया थाने का घेराव, 9 आरोपियों पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध। चौदह में तनाव की स्थिति के चलते भारी पुलिस बल मौजूद। प्रस्तुत है गंज बसोदा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। आज इंफॉर्मेशन आई थी कि देवला थाना क्षेत्र में ग्राम सरमाता है, वहाँ पर दो पक्षों के बीच लड़ाई हुई है, कुछ लोग घायल हुए हैं। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे थे और वहाँ से घायल 307 और एक। कहाँ पर ये घटनास्थल कहाँ का? मृतक पक्ष वासुदा से लौट रहा था, अपने गांव की तरफ जा रहा था और आरोपी पक्ष ने उनको घेर करके उनके साथ में मारपीट की है, जिसमें एक व्यक्ति हुई है और उसका भाई है। एक बात और सामने आई सर, कई पेशियों के मामले में जो तो पहले उतई से होलो फुर्सत इतने समाज में होंगे, पहले वहां से फुर्सत हो जावे ते सफाई बत्ते हो गई, सफाई बत्ते हो जाते चले सफाई मत दो, चले जाओ गिरफ्तार कर लेंगे। ग्राम सुनोटा में पुरानी रंजिश के चलते 9 आरोपियों ने घेर कर किया हमला। लाठी डंडों से आरोपियों ने की मृतक की हत्या। पुराने विवाद में हुई मृतक रविंद्र कुर्मी की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित जनता ने किया थाने का घेराव, 9 आरोपियों पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध। 14 में तनाव की स्थिति के चलते भारी पुलिस बल मौजूद। प्रस्तुत है गंज बसोदा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट।